गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स, आज हम आपकी प्लस वन क्लास में आपके फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। पहले मानव क्या करता था? पहले मानव जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, शिकार करके वो अपना पेट भरता था, ठीक है, गुफाओं में रहता था। तो धीरे धीरे आदि मानव ने पत्थरों से आग की खोज की, ठीक है। आग बनाने के बाद जब उसने आग का आविष्कार किया तो आग से फिर वो अपने खाने का जो भोजन था उसे पकाने लगा। पहले वह भोजन को कच्चा ही खाता था, ठीक है। तो धीरे धीरे आदि मानव ने अपने चीज़ों का सुधार किया। उसे पहले वो शरीर पर कोई वस्त्र नहीं धारण करता था, फिर उसने धीरे धीरे पत्तों से वस्त्र बनाने, वस्त्रों की तरह उनको यूज करना शुरू किया, इस्तेमाल करता था। वो अपने शरीर को ढकता था, आग से वो ठंड को बचाता था, खाना बनाता था, यानी कि उसे धीरे धीरे इन चीज़ों का ज्ञान होने लगा। तो इस काल में क्या है कि जो चित्र थे, जो चित्र बनाए जाते थे, वो रेखाएं खींचकर बनाता था। भित्ति चित्र यानी कि जो दीवार के ऊपर चित्र बनाए जाते थे वो चित्र बनाता था, ठीक है। इस जो ये शैली थी, इसमें उसने पूर्व पाषाण युग में मनुष्य ने जो कला थी उसका विकास किया, ठीक है। धीरे धीरे उसकी कला में विकास आने लगा, वो नई नई चीज़ें सीखने लगा। पहले वो पत्थरों पे चित्र बनाता था, फिर उसने शैल चित्र आने के बाद उसने भित्ति चित्रों का निर्माण किया, यानी कि जो दीवारों के ऊपर चित्र बनते थे। तो उस समय सबसे पहले जो उसके तीन युगों में बांटा गया, सबसे पहले आता है उसका उत्तर पाषाण युग, ठीक है। इसमें क्या था कि वो लाल रेखाओं पर बनाया जाता था। इसमें से कुछ छड़ी यानी कि लेनी और पतली मानव की आकृति बनानी, जानवरों की जैसे ऊँट, भैंसा, हाथी, ठीक है, सुअर, इनके चित्र बनाने उसने शुरू किए, ठीक है। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया जाता था। उसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, जो दूसरी उसकी कला विधि थी वो थी मध्य पाषाण युग, ठीक है। इसमें चित्रों की संख्या सबसे अधिक थी, चित्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई, लेकिन उनका आकार था वो छोटा ही रहा। शिकार के चित्र प्रस्तुत किए गए, शिकार खेलते हुए, समूह में शिकार खेलते हुए, ठीक है। तो जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था शिकार करने के लिए, उन चीज़ों को भी उसने साथ में चित्रित किया, जंगली जानवरों को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उसे मनुष्य और जानवरों का भी भेद पता चलने लगा। जानवरों को वो शिकार करते, जब मानव शिकार करता है जानवरों का, वो चीज़ दिखाई गई उसमें। तो धीरे धीरे उसे इन चीज़ों का ज्ञान होने लगा। कलाकारों ने अपने चित्र थे जो उसकी स्थ, ठीक है, भीतरी छतों पर बनाए, ठीक। कुछ चित्र ऐसे जो गुफाओं के अंदर उसने बनाए, जैसे कि हमें अब अजंता की गुफाएं, गुफाओं में चित्र मिलते हैं बनाए हुए आदि मानव के। तो वो ऐसे चित्र बनाने लगा जिससे उसे अधिक प्रयास ना करना पड़े, यानी कि धीरे धीरे उसे चित्रों का ज्ञान होने लगा। पर्यावरण को लेकर उसने चित्र बनाए, ठीक है। तो वो ऐसे चित्र बनाता था जिसकी उसे ज़्यादा ज्ञान होता था या जो ज़्यादा उसकी समझ में आते थे। ये मध्य पाषाण युग का चित्र है, ठीक है। अभी कैसे वो घोड़े पर चढ़कर शिकार करने जाते हैं और हाथ में भाला या जो भी वो हथियार लेते थे शिकार करने के लिए, उन चीज़ों को भी दिखाया गया। तो जो मध्य पाषाण युग था, इसमें जो आदि मानव है या जो भी चित्र बनाए गए, जैसे भी चित्र बनाए गए, उसका उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होने लगा कि किस चित्र का कहाँ पर यूज़ करना है, किस चित्र को कहाँ पे रखना है, कैसे चित्र में रंगों का प्रयोग करना है, चट्टानों पर बनाने हैं या पत्थरों पर बनाने हैं, तो किन खनिज रंगों का ज़्यादा प्रयोग करना है, किसका कम करना है, किस चित्र में किस चीज़ को किस आकार में दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें उसको धीरे धीरे समझ आने लगी। जंगली सांड का शिकार करते हुए चित्र बनाया हुआ है उसने, ठीक है। इसमें आपका भीम बेट का, ठीक है, औरंगाबाद, बेलारी, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अधिक चित्रों का चलन हुआ, अधिक से अधिक चित्र वहाँ पर बनाए गए, वहाँ चित्र
मनुष्य के द्वारा जो चित्र बने थे वो दिखाए गए। यानी कि ऐतिहासिक चित्रों में जो तत्कालीन मनुष्य है उसकी जीवन शैली, खान पान, उसकी आदत, उसकी दैनिक यानी कि जो उसकी दिन की चर्या होती थी, वो दिन में क्या काम करता है, तो इन सब चीज़ों को जानने समझने में सहायता मिलती थी। तो जो ये काल था हमारा, इसमें अवशेष, ठीक है, पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने, हड्डियाँ, ठीक है, उनका टुकड़ा था, वो मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। यानी कि उन चीज़ों से हम ज्ञान लगा सकते हैं कि व्यक्ति ने आदि मानव या पहले मानव कैसे चित्रों को बनाता था। तो उन सबसे महत्वपूर्ण तो थे शैल चित्र, जो आदिकाल मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गए हैं, कि जिन चित्रों को उन्होंने पहले बनाया था वो चित्र हम आज भी देख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड लेसन है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।